एवरीवन, आज की रेसिपी हम चना दाल से बनाएंगे, चना दाल के वड़े। उसके लिए चने को मैंने रात भर भिगो के रख दिया था और अब इसका बिना पानी डाले एक पेस्ट बना लेंगे दरदरा सा। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो थोड़ा लिक्विड सा हो जाएगा। अब इस पेस्ट में हम डालते हैं 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, हींग से खुशबू बड़ी अच्छी आएगी, और 4-5 कटी हुई हरी मिर्च। और अब डालेंगे इसमें हम 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 1 बड़ी प्याज कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता बारीक बारीक कटा हुआ, और अब बेसिक से मसाले जैसे कि 1 चम्मच डाला मैंने इसमें नमक, थोड़ा सा डाला धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डाला गरम मसाला। गरम मसाला डालने से सारे फ्लेवर आ जाएंगे, और थोड़ा सा डाला लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा मैंने नमक फिर से डाला है, थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था, टेस्ट करके देख लेंगे नमक कम तो नहीं है, तो इसलिए मैंने दोबारा डाल दिया था। अब इनको हम शेप देंगे, बड़े की शेप दे देंगे गोल गोल करके अच्छे से। देखो ऐसी शेप देनी है। अब 1 by 1 मैंने सारे वड़े बना के तैयार कर लिए थे। छह से सात वड़े बन जाएंगे इतने मिक्सचर में। वड़े बन के सारे तैयार हो गए थे, तब मैंने साइड में ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। ऑयल अच्छे से जब गरम हो जाए तभी हम वड़े इसमें डालेंगे। 1 by 1 करके वड़ा मैंने कढ़ाई में डाले। 4 ही वड़े एक टाइम में आ पाए थे क्योंकि कढ़ाई मेरी छोटी है। अब इनको हम वड़े को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन सा कलर आ जाए तभी वड़े अच्छे लगते हैं और अंदर तक भी पक जाते हैं। चलिए अब इनको पलट लेते हैं दूसरी साइड से, दोनों साइड से अच्छे से सेक के, फिर हमारे वड़े एकदम तैयार हैं। चलो अब इनको हम निकाल लेते हैं। अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, निकाल लो और बस हमारे दाल के वड़े एकदम तैयार हैं। इनको सर्व करेंगे हम ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ। थैंक यू। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।